एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक और जातिका यह जानना चाहते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, आपका विवाह का सुख कैसा रहेगा, मधुर संबंध बनेंगे या नहीं, तो इसके लिए किस तरह से अपनी कुंडलियों का आप देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी दी है। तो इसके लिए वैवाहिक सुख के बारे में जानने के लिए हमें स्त्री पुरुष जो है दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करना चाहिए। और दोनों की कुंडलियों में आपको देखना है कि जो सातवां भाव है, जो वैवाहिक सुख से है, आपके जीवन साथी का है, तो उसको देखा जाता है और उसके स्वामी को देखा जाता है। लग्न भाव को और लग्न का, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आप स्वयं है, तो लग्न और लग्न के स्वामी को देखा जाता है। फिर जो शुक्र ग्रह है वो दोनों के लिए शादी का कारक माना जाता है, तो शुक्र ग्रह की भी अच्छी स्थिति को कुंडली में देख सकते हैं। और साथ साथ में अगर स्त्री जातक है तो उनका बृहस्पति भी अच्छी स्थिति माना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति शादी का उनका कारक बनता है स्त्री कुंडली में। तो इनका अध्ययन करने के लिए आपके दोनों की कुंडलियों में देखें कि लग्न भाव स्वामी, लग्न भाव का स्वामी सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी कारक बृहस्पति और शुक्र, अगर केंद्र में पहले चौथे सातवें दसवें भाव में और त्रिकोण भाव पांचवें नवे भाव में बैठे हो तथा ग्यारह भाव में बैठे हो, वो सौ राशि के हो, मित्र राशि के हो, उच्च के हो, तो ये जितनी अच्छी ऐसी स्थितियां होगी उतना आपका वैवाहिक सुख के लिए देखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको जो काम से संबंध है वो सातवां भाव और आठवां भाव है, तो आठवें भाव के साथ में सातवां भाव को भी देखें। अगर यहाँ पे इनकी स्थिति भी अच्छी, केंद्र में त्रिकोण में सातवें भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी भी केंद्र में त्रिकोण में और ग्यारह भाव में सौ राशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि के होंगे, तथा यहाँ पे सातवें भाव और आठवें भाव पे पापी ग्रह जैसा शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य कुरु ग्रह, इनके भी प्रभाव अगर नहीं है, वो नहीं बैठे हुए हैं, तो आपके काम संबंध में मधुर रहेंगे। तो गृहस्थ सुख चलाने के लिए ये स्थितियां जो बताई है वो आपकी अच्छी होगी। तो दोनों की कुंडलियों में कुंडली मिलान के बाद में, मांगलिक मिलान के बाद में, दोनों का मांगलिक है तो दोनों मांगलिक होना चाहिए और गुण मिलान कीजिए। और ये जो स्थितियां बताई लग्न भाव का, लग्न भाव जैसे हम बात की उसमें लग्न भाव जैसे यहाँ पे नौ नंबर का धनु लग्न है, तो इसका स्वामी जो है बृहस्पति वो यहाँ पे सौ राशि का बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है। इसी बाद में तीसरा भाव जो है सातवां भाव है जो वैवाहिक सुख का भाव है, जीवन साथी का भाव, उसका मालिक भी केंद्र में बैठा है, मतलब लग्न यहाँ बैठा हुआ है और ये दोनों की युति भी हो रही है। तो युति में आप देख सकते हैं कि वो जो ग्रह मैत्री होती है उसमें मित्र आदि मित्र सम अच्छी ये स्थिति अच्छी रहती है, तो दोनों में इस तरह से मित्रता हो, मित्र हो, आदि मित्र हो, सम हो, तो ये देख जरूर देख लीजिए। तो अगर यहाँ देख सकते हैं कि दोनों की स्थिति ठीक है। और जो कारक शुक्र है वो भी केंद्र त्रिकोण में बताया है सौ राशि उच्च राशि, तो यहाँ पे शुक्र भी यहाँ पे लग्न में बैठ के अच्छी स्थिति बना रहा है। और स्त्री जातक के लिए बृहस्पति भी अच्छा होना चाहिए, तो बृहस्पति भी यहाँ सौ राशि का है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, और फिर बताया थे अष्टम भाव सप्तम भाव जो काम का संबंधों के लिए देखे जाते हैं, वहाँ पे भी पापी ग्रह जो है राहु आदि का, शनि का, केतु का, पापी ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, वो भी एक अच्छी स्थिति है। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन अगर आपका अच्छा चलेगा, इसलिए ये सब देखना जरूरी है। तो यहाँ पे वो सब स्थितियाँ जो हमने बताई यहाँ पे भी देख रहे हैं, सप्तम भाव और अष्टम भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं है। तो और इसी तरह से नवांश कुंडली को भी इसी तरह से देखें कि वहाँ भी अच्छी स्थिति है। तो अगर ये सब देखने के बाद में आपको ये स्थितियाँ अपनी कुंडलियों में देखने के बाद में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपका गृहस्थ सुख जो है वैवाहिक सुख है, गृहस्थ जीवन है, वो बिल्कुल अच्छा चलेगा, ये आपको देखना चाहिए। और उनके प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन जो है जो सरल उपाय है, पहले तो लग्न भाव का स्वामी जो भी बन रहा है उसको बलवान करने के लिए उनके मंत्रों के जांच करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य ग्रह भी होता है।
फिर आपके इष्ट की आराधना करना चाहिए। यहाँ जैसे मंगल ग्रह बनता है, इष्ट और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, आपके कुल देवता देवती की आराधना करना चाहिए। साथ साथ में बुद्ध जो ग्रह है, सप्तम भाव का जो स्वामी है बुद्ध ग्रह जैसा हो, तो आपको गणेश जी की भी आराधना करना चाहिए। गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः का पाठ करना चाहिए। तथा जो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, तथा गुरु जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरु के मंत्रों के जाप करना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति मजबूत हो। शुक्र आपका बलवान करने के लिए आपको कोई स्त्री जो जातक है, आपकी जो स्त्री है उससे अच्छे मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए, जिससे शुक्र भी खराब ना हो सके और आपको अच्छे फल दे सके। तो ये और बाकी दो दिनचर्या में है, सुबह शाम आपके जो मंदिर है और जो तुलसी है वहाँ पे घी का दीपक जलाइए, कपूर जलाइए, आपके बेडरूम में भी कपूर जलाइए, जिससे कि वहाँ पे निगेटिविटी कम रहे। शाम के टाइम पे कपूर जला सकते हैं वहाँ पे भी। साथ साथ में आपके उत्तर दिशा में आप पति पत्नी का एक अच्छा फोटो रखिए, जिससे जो हंसता हुआ हो, और आपके जोड़े का फोटो उत्तर के वॉल पे लगाइए, और जो जहाँ तक हो सके जो भी बेडरूम है आपका वो एकदम कबाड़ नहीं हो, वहाँ पे अच्छे वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से व्यवस्थित रखिए और उसको साफ रखिए, कबाड़ को आप निकाल दीजिए। और साथ साथ में आपका जो इष्ट है, आपका जो घर का है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे भी आपको कूड़ा करकट वगैरह वास्तु के हिसाब से नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे भारी सामान नहीं होना चाहिए। और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि गुरु वहाँ बलवान होता रहे और आपको अच्छे फल प्राप्त हो सके। तो ये छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया। ये जानकारी जो है आपके गृह जीवन में अगर थोड़े से भी कोई कमी रह गई है तो उसको इन उपायों के द्वारा उनको प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, और अच्छे प्रभाव के कारण आपका गृह जीवन अच्छा सा व्यतीत हो, और इस तरह से आप अपनी कुंडलियों को देख सकते हैं। तो आज ये जानकारी दी, तो हमारी चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कंसल्टेशन लेना चाहिए, परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो नंबर है डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह से आपको अगर हमारी चैनल अच्छी लग रही है तो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस शेयर करने से उनको भी और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा प्राप्त हो सकेगा। आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।